इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एनसीईआरटी 2.1 एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देख रहे हैं। क्वेश्चन वन से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। ओके, तो हमें इसको करने के लिए ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या है और उसकी रेंज क्या है। रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं। तो जो इसका डोमेन है वो है माइनस वन से वन क्लोज इंटरवल, और जो इसकी रेंज है वो है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्लियर हो गया। डोमेन माइनस वन से वन क्लोज इंटरवल और रेंज माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू क्लोज इंटरवल। तो अगर डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिखो, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। ठीक है, अब अगर थीटा हम माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में लेते हैं जो कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, तब आप साइन को उधर ट्रेवल करा सकते हो। अगर आप थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं लेते हो तो आप ट्रेवल नहीं करा सकते और वो पॉसिबल भी नहीं होता है एक्चुअली में। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ हो सकती है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू क्लोज इंटरवल हो सकती है। तो कंसिडरिंग थीटा इन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू क्लोज इंटरवल, आई कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब साइन नेगेटिव कब होगा, साइन हाफ तो 30 डिग्रीज पे होता है, बट नेगेटिव कब होगा, जब उसकी वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव रहता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगी, बट हमारे पास वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में आ ही नहीं सकती क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ से कहाँ है हमारी, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 30, तो माइनस पाई बाय 6, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो दोबारा से सुनो क्या किया, साइन थीटा को उधर लेकर गया क्योंकि थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में था, साइन थीटा माइनस हाफ हो गया। अब आपको ऐसे तो याद होगा कि 30 डिग्री पे हाफ होता है, तो माइनस कब होगा, माइनस 30 डिग्री पे। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। इसको करने का एक और तरीका है जो कि थोड़ा और सिंपल है, उसमें प्रॉपर्टी लग जाती है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की प्रॉपर्टी है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज वन के बाद ये प्रॉपर्टीज दी हुई हैं एनसीईआरटी में ही, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स हाफ के बराबर हो जाएगा। इससे थोड़ा इजी इसीलिए हो जाता है क्योंकि फिर जब हम साइन इनवर्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो हमें पता रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर निकालना है हमें। तो माइनस 30 डिग्रीज विच इज़ माइनस पाई बाय 6, तो दोनों तरीकों से आपका आंसर माइनस पाई बाय 6 आ रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कॉस इनवर्स ऑफ रूट 3/2। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो हमारा जो डोमेन होता है वो होता है माइनस वन से वन क्लोज इंटरवल, और रेंज होती है क्लोज जीरो से पाई। ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, जो कि रेंज है, और डोमेन है मेरा माइनस वन से वन। तो अब मैंने क्या सॉल्व करना है, कॉस इनवर्स ऑफ रूट 3/2, इसको मैं किसके बराबर मान लेता हूँ, थीटा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π। ठीक है, इसको ऐसा जरूर लिखा करो, तो उससे कभी गलती नहीं होगी आपसे। तो लिख दिया मैंने, फिर कॉस थीटा मेरा किसके बराबर आ गया, रूट 3/2। अब मेरे को थीटा कहाँ से कहाँ में रखना है, 0 से π, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में रखना है। ऐसा होता है क्वाड्रेंट में, ऐसे आपको बता रहा हूँ, 0 से π/2 यहाँ पर होता है, यहाँ पे पाई होता है, तो 0 से π/2 इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, पाई बाय टू से पाई इज सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो पॉजिटिव को ऑल साइन टैन कॉस होता है, ये भी आपने सुना होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा कॉस इनवर्स का आउटपुट, अगर कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू है। कॉस इनवर्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो अब रूट 3/2 कब होता है, 30 डिग्री पे कॉस, तो थीटा हो जाएगा मेरे पास पाई बाय 6। क्लियर हो गया, सिंपल है। कॉस 30 किसके बराबर होता है, साइन 60 विच इज़ रूट 3/2। तो ये आपको ऑलरेडी 10th में आपने पढ़ा हुआ है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। ऐसे थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करो कि कॉस थीटा मैं इसको कब लिख सकता हूँ, जब थीटा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो उससे फिर आपको जज करना आसान होगा। आप तो सोचना आसान है ना, कॉस थीटा रूट 3/2 कब होता है, 30 डिग्रीज पे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 2। ओके, तो अब कोसेकेंट इनवर्स एक्स के फंक्शन के बारे में देखते हैं। देखो अच्छा है, मतलब एनसीईआरटी में वो ऐसा कर रहा है, आपको पहले उसने साइन इनवर्स फंक्शन का इस क्वेश्चन के थ्रू डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद करना चाहा, उसने आपको याद करना सिखाया, इसके थ्रू वो आपको कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताना चाह रहा है, अब इसके थ्रू कोसेकेंट इनवर्स का सिखा रहा है। तो इसका डोमेन क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन क्लोज यूनियन वन से इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन है, और रेंज होती है इसकी माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू क्लोज इंटरवल माइनस जीरो, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसका टेबल भी बना हुआ है एनसीईआरटी में, आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरे पास क्या है, कोसेकेंट इनवर्स
टू को क्या मान लेंगे थीटा, कंसिडरिंग थीटा इज इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच विच इज दिस पी वी बी। थीटा मेरा कहाँ से कहाँ लिख दिया मैंने, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू माइनस जीरो, इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोसेकेंट थीटा मेरा किसके बराबर हो जाएगा, टू के बराबर। तो कोसेकेंट थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, वन बाय साइन थीटा मेरा टू के बराबर हो गया, मतलब साइन थीटा मेरा किसके बराबर हो गया, हाफ के बराबर हो गया। थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्रीज, क्योंकि थीटा कहाँ से कहाँ में है, पॉजिटिव है तो जीरो से पाई बाई टू में होगा, साइन के केस में नेगेटिव है तो जीरो से माइनस पाई बाई टू के बीच में होगा। तो थीटा मेरा हो गया 30 डिग्रीज विच इज पाई बाय सिक्स। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का भी आंसर थीटा इक्वल टू पाई बाय सिक्स आ रहा है। ओके, इसको करने का मेथड टू, क्योंकि इसकी भी प्रॉपर्टी होती है, कोसेकेंट इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स। ठीक है, प्रोवाइडेड एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो मतलब डोमेन वही होल्ड करेगा जो कोसेकेंट इनवर्स एक्स का है, मतलब एक्स माइनस इनफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इनफिनिटी के बीच में रहना चाहिए। तो उसको यूज़ करके मैं डायरेक्टली लिख सकता था कोसेकेंट इनवर्स ऑफ टू इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वन बाय टू। ठीक है, फिर यहाँ से मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाय सिक्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है टैन इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री। ठीक है, तो देखो अब इसमें टैन इनवर्स के बारे में आपसे वो पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। डोमेन होता है एक्स बिलोंग्स टू आर, रेंज होती है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ओपन इंटरवल। ठीक है, तो टैन इनवर्स एक्स का डोमेन हो गया एक्स बिलोंग्स टू आर, रेंज हो गई माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ओपन इंटरवल। तो सिमिलरली जैसे हमने पहले करते आ रहे हैं, हम मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री। थीटा को लिख दो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रहेगा, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में रहेगा, तो ये टैन इनवर्स उधर ट्रेवल कर जाएगा। तो टैन थीटा हो गया मेरे पास माइनस रूट थ्री। थीटा कितना हो जाएगा, टैन रूट थ्री होता है 60 डिग्रीज पे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस पाई बाय थ्री। ठीक है, इजी है। अब इसको प्रॉपर्टी से भी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने हो सकता है इसके बाद का पढ़ा हो तो प्रॉपर्टीज भी जानते हों। माइनस रूट थ्री तो प्रॉपर्टी ये बताती है, जो प्रॉपर्टी है इसकी वो ये बताती है टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, माइनस टैन इनवर्स एक्स के बराबर। तो ये इसको लिख सकता हूँ माइनस टैन इनवर्स ऑफ रूट थ्री, मतलब माइनस बाहर चला जाएगा और वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाय थ्री। तो आंसर इज माइनस पाई बाय थ्री। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस आर। देखो इसमें भी नेगेटिव है अब। ठीक है, तो अब हमें वही सेम, देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे सोचना है इसको। नेगेटिव वैल्यू आ गई ना, तो डोमेन तो इसका क्या होता है माइनस वन से वन, मतलब नेगेटिव वैल्यू माइनस वन से लेके जीरो तक की बीच की नेगेटिव वैल्यूज ये इनपुट में ले सकता है, जीरो से वन तक की वैल्यूज भी ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कॉस इनवर्स ऑफ मेरे पास माइनस टू है या कॉस इनवर्स ऑफ टू है, ये नॉट डिफाइंड वैल्यूज हैं, दीज आर नॉट डिफाइंड। डिफाइंड क्यों नहीं है, क्योंकि डोमेन कहाँ से कहाँ है, माइनस वन से वन के बीच में है। तो टू ले लोगे, 1.1 ले लोगे, 1.3 ले लोगे, उन पर ये वाली वैल्यूज जो हैं कॉस इनवर्स जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस इनवर्स एक्स मेरे को क्या निकालना है, कॉस इनवर्स माइनस हाफ। तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ को मैं क्या मान सकता हूँ, थीटा, बट इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है थीटा उसी में रहना चाहिए, तो जीरो से पाई में अगर उसी में रहेगा तभी आप कॉस को उधर ट्रेवल करा सकते हो, उसमें नहीं रहेगा तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स जीरो से पाई के बीच में ही होता है। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो अब हमें ये पता चल जाएगा कॉस थीटा नेगेटिव है, तो जीरो से पाई बाय टू में तो थीटा होगा नहीं, क्योंकि जीरो से पाई बाय टू में अगर आप थीटा लेते हो तो कॉस को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। ठीक है, और अगर पाई बाय टू से पाई में लोगे तो कॉस थीटा जो होगा वो नेगेटिव होगा। समझ गए ये जो मैं बात बता रहा हूँ, कि जीरो से पाई बाय टू में तो कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, पाई बाय टू से पाई में कॉस थीटा नेगेटिव होता है। तो कॉस थीटा जब आप माइनस हाफ लिख रहे हो, इससे क्लियर हो जाएगा कि थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब वो कैसे निकालना है जी, तो सोचना पड़ेगा। अब हाफ कब होता है, पहले तो ये सोचो कॉस हाफ कब होता है, कॉस पाई बाय थ्री पे हाफ होता है। ठीक है, तो अब सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस पाई बाय थ्री। अगर आप ये कैलकुलेट करना जानते हो, 11th की ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये सिखाया होगा, नहीं तो आप वीडियोस वॉच कर सकते हो इसी चैनल पे। कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय थ्री कितना होगा, माइनस कॉस पाई बाय थ्री, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है उसमें कॉस नेगेटिव होगा तो माइनस हाफ आएगा। ठीक है, तो कॉस 60 इज साइन 30 विच इज़ हाफ, तो माइनस हाफ वैल्यू आएगी, तो मतलब कॉस 2 पाई बाय थ्री। तो इससे क्लियर हो जाएगा थीटा मेरा किसके बराबर आएगा, 2 पाई बाय थ्री के बराबर आएगा। देखो कई बार ना इस तरीके से सोचने में
आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आप सोचोगे कि अच्छा माइनस हाफ आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो क्या वैल्यू है, तो ये थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए प्रॉपर्टीज़ अगर याद हों, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए प्रॉपर्टीज़ याद हों तो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो प्रॉपर्टी क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की जो प्रॉपर्टी है वो है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ की जो प्रॉपर्टी है वो ये है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ। ठीक है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ कब होता है, पाई बाई थ्री पे, तो इसीलिए इसका आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो टू पाई बाई थ्री। तो देखो ये मेथड टू जो है प्रॉपर्टी बेस्ड जो है, इससे क्वेश्चन आपके लिए करना थोड़ा आसान है, बाकी इससे भी मुश्किल नहीं है आपको, बट ऐसे सोचना पड़ेगा कि अच्छा थीटा जीरो से पाई में होता है, जीरो से पाई बाई टू में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस इनवर्स माइनस हाफ की जो वैल्यू है वो पाई बाई टू से पाई में आएगी। अब किस एंगल पर कॉस हाफ होता था उसको पाई में से सब्ट्रैक्ट करके आपके पास क्या होगा, माइनस हाफ बनेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज भी लग रही है। आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली टैन इनवर्स ऑफ माइनस वन भी है, तो टैन इनवर्स ऑफ माइनस वन जो है इसको मैंने थीटा मान लिया, तो मेरे को साथ में क्या लिखना पड़ेगा, थीटा कहाँ से कहाँ में बिलोंग करेगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा, क्योंकि वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो टैन थीटा मेरा किसके बराबर हो गया, माइनस वन। अब आप ऐसे सोचो कि जीरो से माइनस पाई बाई टू में, क्योंकि जीरो से पाई बाई टू में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, वहाँ पर टैन थीटा पॉजिटिव होता है, तो जीरो से माइनस पाई बाई टू में किस वैल्यू पर टैन थीटा नेगेटिव होगा, जीरो से माइनस पाई बाई टू इज एक्चुअली फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उसमें टैन नेगेटिव होता है, तो थीटा की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, माइनस पाई बाय फोर। ठीक है, तो थीटा माइनस पाई बाय फोर पे क्या होगा, माइनस वन के बराबर होगा। दूसरा ये मेथड वन हो गया, दूसरी प्रॉपर्टी से, मतलब मेथड टू जो है प्रॉपर्टी से करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की प्रॉपर्टी है, टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को आप लिख सकते हो माइनस टैन इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ टैन इनवर्स ऑफ वन, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाय फोर। ईजी है, तो प्रॉपर्टी लगाना तो ऑब्वियसली बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं, सीकेंट इनवर्स ऑफ टू बाई रूट थ्री, तो अब इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। सीकेंट इनवर्स एक्स का पहले मैं आपको डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बता देता हूँ। डोमेन माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, क्लोज यूनियन क्लोज वन से इन्फिनिटी रहता है, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसकी रहती है क्लोज जीरो से पाई माइनस पाई बाई टू। ठीक है, क्योंकि वाई पाई बाई टू होगा तो सीकेंट पाई बाई टू नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अब इसको भी मैं ऐसे करूँगा, सीकेंट इनवर्स ऑफ टू बाय रूट थ्री है, इसको थीटा मान लेते हैं, तो सीकेंट थीटा मेरा किसके बराबर हो जाएगा, टू बाय रूट थ्री। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा कि भाई जो मेरा कॉस थीटा है वो किसके बराबर हो गया, रूट थ्री बाय टू, तो कॉस थर्टी होगा, तो कॉस थर्टी इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू, बट हमें तो आउटपुट किस में लिखनी है, रेडियंस में लिखनी है, तो इसलिए हमारा जो थीटा आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, पाई बाय सिक्स, विच इज थर्टी। ठीक है, तो आंसर इज पाई बाय सिक्स। आगे बढ़ते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ रूट थ्री, अच्छा इसको करने का एक और तरीका मैं दूसरी प्रॉपर्टी से भी बता देता हूँ। सीकेंड इनवर्स टू बाय रूट थ्री को आप कॉस इनवर्स डायरेक्टली कॉस इनवर्स रूट थ्री बाय टू भी लिख सकते हो, तो ये जो बीच के जो स्टेप्स हैं ये आपके डायरेक्टली बच जाएंगे, अगर आपको प्रॉपर्टी आती है 30 डिग्री आंसर आएगा, विच इज़ फाइव बाई सिक्स, कॉस थर्टी इज साइन सिक्सटी विच इज़ रूट थ्री बाई टू। अच्छा, कॉट इनवर्स ऑफ रूट थ्री, तो इसको क्या लिखोगे, कॉट इनवर्स ऑफ रूट थ्री, इसको हम थीटा मान लेते हैं। अब इसमें जो थीटा होगा कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रहेगा, विच इज़ जीरो टू पाई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, टैन थीटा इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री, तो थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्रीज, विच इज फाइव बाय सिक्स। ओके, प्रॉपर्टी यह है कॉट इनवर्स ऑफ एक्स को अगर एक्स पॉजिटिव है तो आप टैन इनवर्स वन बाय एक्स लिख सकते हो, एक्स नेगेटिव पे कुछ और होती है प्रॉपर्टी, वो देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगर यूज़ हो रही होगी तो। ठीक है, तो एक्स पॉजिटिव में कॉट इनवर्स एक्स को हम टैन इनवर्स वन बाय एक्स लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली आप टैन इनवर्स वन बाय रूट थ्री आ जाएगा, विच इज पाई बाय सिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नाइन्थ पे, कॉस इनवर्स सिर्फ अगेन, अब इसको मैं प्रॉपर्टी से ही करता हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाय रूट टू, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वन बाय रूट टू, थोड़ा जल्दी होगा, कॉस इनवर्स वन बाय रूट टू कब होता है, पाई बाय फोर पे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, थ्री पाई बाय फोर। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, कोसेकेंड इनवर्स ऑफ माइनस रूट टू, ओके अगेन आई कैन राइट कोसेकेंड इनवर्स ऑफ माइनस रूट टू,
इज इक्वल टू थीटा, इसको चलो थीटा से कर लेते हैं, तो कोसेकेंट थीटा मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, माइनस रूट टू, कंसिडरिंग थीटा कहाँ से कहाँ होना चाहिए, माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस जीरो, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा मेरा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस वन बाय रूट टू, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस फाइव बाय फोर, प्रीटी सिंपल, ठीक है। ओके जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें कंबाइंड वैल्यूज निकालनी है, ओके तो करते हैं टैन इनवर्स ऑफ वन, टैन इनवर्स ऑफ वन की वैल्यू निकालो, तीनों की वैल्यू निकाल के ऐड कर देते हैं, टैन इनवर्स ऑफ वन की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय फोर, क्योंकि माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ओपन इंटरवल के बीच में होता है। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ अभी हमने निकाला था इससे पहले, टू पाई बाय थ्री, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो पाई माइनस पाई बाय थ्री बेसिकली। साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस थर्टी डिग्री विच इज माइनस पाई बाय सिक्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हो आप, तो इन तीनों का सम करना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा पाई बाय फोर प्लस ये वाली टर्म हो जाएगी टू पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय सिक्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा पाई बाय फोर, पहले आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो सिक्स आ जाएगा, तो थ्री पाई बाय ये बनेगा ऐसे, देखो सिक्स एलसीएम आ जाएगा, फोर पाई माइनस पाई, तो बन जाएगा पाई बाय फोर प्लस पाई बाय टू, ठीक है। तो अब एक बार और एलसीएम ले लेते हैं, फोर तो ये टू आ जाएगा, तो थ्री पाई बाय फोर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और होती है जो इसके बाद आप पढ़ोगे, वो ये होती है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन, जो इन दोनों का डोमेन होता है, ठीक है। उसको यूज करके आप डायरेक्टली इन दोनों को क्या लिख सकते हो, पाई बाय टू, तो पाई बाय टू प्लस पाई बाय फोर डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है थ्री पाई बाय फोर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कॉस इनवर्स ऑफ हाफ प्लस टू साइन इनवर्स ऑफ हाफ, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ हाफ कितना होता है, थर्टी, कॉस इनवर्स ऑफ हाफ कितना हो जाएगा, सिक्सटी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू बनेगी सिक्सटी विच इज़ पाई बाय थ्री प्लस टू इंटू ये वाली वैल्यू बन जाएगी पाई पाई बाय सिक्स थर्टी, है ना, तो ये बन जाएगा पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय थ्री, आंसर कितना आ जाएगा टू पाई बाय थ्री, ठीक है। ओके इसको फिर वो वाली प्रॉपर्टी से भी करके देखते हैं एक बार, तो ये मेथड वन लिख देता हूँ मैं इसके आगे, और एक बार मैं आपको मेथड टू भी बताता हूँ। तो मेथड टू क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स ऑफ हाफ प्लस साइन इनवर्स ऑफ हाफ प्लस साइन इनवर्स ऑफ हाफ, ठीक है। तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, पाई बाय टू के बराबर, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू फॉर एक्स बिलोंगिंग टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस वन से वन क्लोज इंटरवल तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई बाय टू, साइन इनवर्स ऑफ हाफ कब होता है, पाई बाय सिक्स थर्टी में, तो एलसीएम लेंगे तो सिक्स आ जाएगा, तो ये ऊपर फोर पाई बन जाएगा विच इज टू पाई बाय थ्री, तो यहाँ से भी आपका आंसर क्या आ रहा है, टू पाई बाय थ्री, क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन, ओके। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, देन वी हैव टू फाइंड दी वैल्यूज ऑफ वाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है। साइन इनवर्स एक्स में डोमेन होता है माइनस वन से वन क्लोज इंटरवल, वाई की रेंज कहाँ से कहाँ होगी, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू क्लोज इंटरवल, तो बी आंसर है इसका, प्रीटी सिंपल है, बहुत ईजी, ठीक है, आपको डायरेक्ट आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो टैन इनवर्स ऑफ रूट थ्री की पहले अलग से वैल्यू निकाल लेते हैं, वो कितने होगा, सिक्सटी डिग्री विच इज़ पाई बाय थ्री। सीकेंट इनवर्स ऑफ माइनस टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, टू पाई बाय थ्री, ठीक है। अभी अभी हमने इससे ऊपर भी निकाला था, वैसे भी कर सकते हो, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ भी कर सकते हो आप, डायरेक्टली भी सोच सकते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ये, तो टू पाई बाय थ्री वैल्यू आएगी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पाई बाय थ्री माइनस टू पाई बाय थ्री, तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस पाई बाय थ्री, तो इस पार्ट का भी आंसर मेरे पास बी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी को सॉल्व किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।